नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। संभागीय आयुक्त भरतपुर सांवरमल वर्मा एवं जिला कलेक्टर डी श्रुति भारद्वाज ने गुरुवार को ग्राम स्तरीय जनसुनवाई के बाद पहाड़ी उपखंड के जाटव मोहल्ला, गोपालगढ़, अंधवाड़ी, जोत, रूहल्ला, विजासना, पहाड़ी एवं लिवासना में जाकर पेयजल व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आमजन से पेयजल आपूर्ति के संबंध में फीडबैक लिया। जिले में निर्बाध रूप से पेयजल आपूर्ति हो, इसके लिए संभागीय आयुक्त ने आमजन की चौखट पर जाकर पानी की समस्या के बारे में जानकारी ली और निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त ने स्थानीय लोगों से संवाद किया, पेयजल आपूर्ति मात्रा व गुणवत्ता की जानकारी ली। बातचीत में आमजन ने कहा कि गर्मी के मौसम में उन्हें पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए वर्मा ने पहाड़ी के अनेक पॉइंट पर स्वयं जाकर पीएचईडी विभाग द्वारा संचालित टैंकर की जानकारी ली और टैंकर का जीपीएस सुचारू रूप से काम न करने पर संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा। असंतुष्ट जवाब मिलने पर एसडीएम पहाड़ी को इस मामले की जांच के निर्देश दिए। वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के मंशा के अनुरूप गर्मी के मौसम में सभी लोगों को पीने का पानी मिले, इसके लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। जल जीवन मिशन के कनेक्शन को सुचारू करने के लिए पहाड़ी में पीएचईडी विभाग को 15 दिन का समय दिया गया है। साथ ही टैंकर सप्लाई में पारदर्शिता बरतने के लिए अनिवार्य रूप से टैंकर में जीपीएस लगाने, कूपन रखने एवं पूर्व निर्धारित ट्रिप के अनुसार ही पेयजल वितरित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एसडीओ पहाड़ी एवं संबंधित पीएचईडी विभाग के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी एवं पेयजल आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गोपालगढ़ क्षेत्र में पानी को लेकर क्या क्या देखा गया है? देखिएगा, आज जिला कलेक्टर महोदय के साथ मेरे द्वारा जो गोपालगढ़ ग्राम पंचायत में जो पानी को लेकर समस्या थी, उसमें जल जीवन मिशन में जो है ट्यूबवेल बने उनको देखा गया, जो घर घर में कनेक्शन दिए उनको देखा गया। इसके अलावा जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रीष्म ऋतु में जो आमजन को पेयजल टैंकर के माध्यम से उपलब्ध करा जाए, उसकी सप्लाई चेक की गई। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार निर्देश यही है कि हर आदमी को गर्मी के मौसम में पेयजल मिले, उसकी सुनिश्चित कैसे करें वो हमने देखा है। जिला कलेक्टर महोदय ने, मेरे दोनों ने इसमें निश्चित रूप से कुछ खामियां मिली हैं, जैसे टैंकर से जो है अवेलेबिलिटी जहाँ पर बता रहे हैं वहाँ नहीं मिला, जीजीएम के माध्यम से जो कनेक्शन होने हैं वो अभी तक नहीं हुए, तो उसमें टाइमलाइन को दी है कि 15 जून तक ये इसको करके प्रारंभ करेंगे। जैसे टैंकरों को देखा गया, टैंकर के जो ठेकेदार थे तो उनको क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या करें? देखिएगा, राज्य सरकार ने जो है एसडीएम जो है उनको इसके लिए अधिकृत किया हुआ है कि एसडीएम अपने अपने क्षेत्र में जो है पेयजल टैंकर है के माध्यम से सप्लाई करेंगे और उसमें जो है एक जो ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी में जीपीएस रहेगा, इसके अलावा 3 जो है कूपन रहेगा और इसके अलावा अगर मान लीजिए जहाँ भी जाते हैं वहाँ से हस्ताक्षर करके लाएंगे, तो यहाँ जो कमी मिली है उसमें अभी मैंने एसडीएम से बात करेंगे और जो पीएचडी अधिकारी उनसे भी देखेंगे और आप जो है ये मानिएगा कि राज्य का निर्देशानुसार उसके